ये क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है, रचनाएं कंस्ट्रक्शंस। आज हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। फसल जो दिया गया है रेखाखंड AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, इसकी रचना करेंगे। यहाँ देखते हैं इसको, एक रेखाखंड यहाँ लेते हैं, यहाँ से वहाँ से लेके 7.6 तक यहाँ रहेगी। इसको भी नाम देते हैं, ए बी नाम देते हैं इसको, ए और ये बी। अब ए बिंदु पर हम एक न्यून कोण बनाते हैं, किरण एक्स खींचेंगे, अब क्योंकि अनुपात में बोला है 5:8, तो हम क्या करेंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, मतलब हमको एक्स पे 13 समान बिंदुओं को लेना है, जहाँ पर जिनके बीच की दूरी समान होगी। यहाँ इसको देख सकते हैं, यहाँ पास हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये 10 11 12 और ये 13, या इन पे हम समान दूरी के चाप भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। ये हो जाएगी यहाँ पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये A13। हम A13 से B को मिला देंगे इसको, इसी प्रकार के कम जो अनुपात बोला 5:8 यहाँ बोला, तो जो पांचवा बिंदु है ये 5, इसको भी मिला देंगे, इसको समांतर रेखा खींचेंगे। जो कि ए बी को एक बिंदु पर काटा, जिसे हम पी नाम देते हैं, ये यही हमारे रेशियो होगा, अनुपात होगा इन पे ए पी अनुपात है पी बी, जो कि रेखाखंड 5:8 में विभाजित होती है। तब इसके हम लिखेंगे रचना के चरण सुमता, कैसे रचना करना है इसकी, तो यहाँ देखेंगे इसमें हम
रचना में पहले एक रेखाखंड ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से 90 कोण बनाते हुए किरण एक्स खींचा। तीसरा ऐसा पॉइंट है, किरण एक्स पर प्रकार की सहायता से तेरह समान भाग के चाप काटे। नेक्स्ट, बी ए थ्री को मिलाया, ए थर्टीन है ये, वो मिलाया। नेक्स्ट, बिंदु ए फाइव से ए थर्टीन के समांतर रेखा ए फाइव पी खींचा जो ए बी को 3 पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात एंगल बी ए 13 ए इक्वल टू एंगल पी ए 5 ए बनाया। तब ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 5:8, अतः रेखा ए बी के ए पी व पी बी अभीष्ट भाग हैं। अब इन दोनों भागों को रचना, इसका मेजरमेंट भी करना है, तो इसको देखें यहाँ पास। यदि इसका मेजरमेंट करते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये जो लेंथ इसकी आ रही है, ये बाई लेंथ इसकी इसमें आ रही है 3.3 करीब आ रही है, और इसमें जिसकी लेंथ आ रही है पी बी की आ रही है, ये आ रही है इसमें 4.3 करीब आ रही है। तो लिख सकते हैं यहाँ ए पी स्क्वायर टू यहाँ हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, और ये जो पी बी यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। दोनों जो सम होगा वो 7.6 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से हमको इसका ये रचना करनी है। अब इसमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हम इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, छः सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से
वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। सवाल करेंगे तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं इसको। तो हमको यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त बनाना है, तो हम देखेंगे यहाँ पास एक वृत्त बनाएंगे इसको हम। इसकी त्रिज्या को नापेंगे यहाँ, अब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी हमको एक बिंदु लेना है। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ से देखिए ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से होगा, यहाँ से दूरी इसकी। तो यहाँ जो इसकी दूरी आएगी यहाँ, यहाँ पे एक बिंदु को भी लेना है, कोई बिंदु लेते हैं, सपोज इसको पी लेते हैं ये। अब हमको यहाँ हमको स्पर्श रेखा बनाने से पहले क्या करेंगे, इन जो एक बिंदु दिया हुआ है यदि इसको हम क्या माने, यदि इसको बिंदु यदि ओ माने, इसको इसका केंद्र ओ माने, तो इस दूरी पर एक हम एक लंबार्धक रेखा खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए जो इसकी दूरी आधी से अधिक दूरी के बिंदु लेते हैं। सपोज जैसे इनके बीच की दूरी जो है ये 6 और ये 10, मतलब जो इनकी जो आधी दूरी होगी वो 5 होगी। तो 5 से मतलब 5 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, सपोज जैसे 10 ये है और 5 से अधिक दूरी पर एक हम चाप काटने के दोनों ओर, यहाँ से भी चाप काटेंगे ये और यहाँ से भी चाप काटेंगे, इस बिंदु से भी चाप काटेंगे हम ये। और जिस बिंदु पे ये चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पर एक लंबार्धक रेखा खींचेंगे। तो जिस बिंदु पर ये लंबार्धक सर्किल को कट कर इस पर एक नाम देते हैं, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया ये M हो गया, M पॉइंट हो गया। और ये जो लेंथ है OM और MP, इस त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाएंगे। अब हमको यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस पहले वाले सर्किल में। यहाँ देखेंगे इसको हम, जो कि इस सर्किल को वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी।
यहाँ से भी तो जिस बिंदु पर इस बिंदु को स्पर्श करे उसे एक नाम देंगे। सपोज इसको हम नाम दे दिया टी वन हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा T2 और ये बिंदु P है। इस पर जो हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी P T1 और P T2 हो जाएगी। इसमें अब इसकी हम रचना करेंगे, पेज लिखना कैसे है यहाँ देखते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगी यहाँ पास सबसे पहले दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त और उसके केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर रचना में लिखेंगे इसमें एक बिंदु P है सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानकर छह सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा सेकंड पॉइंट वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया तीसरा पॉइंट इसमें ओपी को मिलाया और ओपी की समद्विभाजक रेखा खींचा जो ओपी को एम पर प्रतिच्छेद करती है चौथा पॉइंट इसमें बिंदु एम को केंद्र मानकर पीएम त्रिज्या का वृत्त खींचा जो ओ केंद्र वाले वृत्त को T1 T2 बिंदु पर काटता है
करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है PT1 एवं PT2 को मिलाया जो वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से हमको इसकी स्पर्श रेखा की रचना करनी है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये सबसे पहले हम एक का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O होगा। फिर इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और ये जो OP है इसके लंबार्धक रेखा खींचेंगे जो कि इसको समद्विभाजित करती है और जिस बिंदु पे ये इस वृत्त को काट रही है उस पर बिंदु M लेते हैं और ये जो दूरी OM या MP इनकी दूरी समान होगी तो इस त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे और ये जो वृत्त है ये पहले पर वृत्त को दो बिंदु पर काटती है जो कि T1 और T2 हैं। इनके तो मिलाएं PT1 और PT2 तो यही वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P एवं Q लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। वृत्त पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ सर्कल बनाएंगे हम। जिसकी जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी यहाँ ये 3 सेंटीमीटर दूरी ये होगी। इसके बाद 7 और 4 जोड़ेगी तो 7 इसमें आएगा तो
ये यहाँ से भी लेंगे 7 सेंटीमीटर दूरी, ये हो जाएगा। और इनको कोई नाम दे दो, सपोज ये हमको नाम दे दें, हमने इसको पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया है, इसका जो केंद्र है उसको ओ मानते हैं। और हम क्या करेंगे, ओ पी और ओ क्यू का लंबार्धक रेखा की जगह उसको समद्विभाजित करें, तो इनकी जो दूरी रहेगी ये दूरी यहाँ से 7 सेंटीमीटर, तो 7 के आधा करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सबको आधी दूरी पर दो चाप काटने हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप पास, ये 3.5 की दूरी यहाँ से 1, 2, 3, ये 3.5 है, तो थोड़ा अधिक दूरी मतलब यहाँ तक दूरी लेते हैं। यहाँ से चाप काटेंगे, यहाँ भी चाप काट देते हैं और इस बिंदु से भी चाप काटेंगे, इसी प्रकार यहाँ से भी चाप काटेंगे हम। तो जहाँ पर ये दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ से एक लंबार्धक रेखा खींचेंगे जो कि इसको समद्विभाजित करेगा। और ये जो दूरी है जिस बिंदु पर ये इस रेखा पर कट कर रहे हैं उसको नाम देते हैं, सपोज नाम देते हैं इसको हम, ये हो जाएगा M1 और इसको नाम देते हैं हम, ये हो जाएगा M2। और ये जो दूरी है M1 हो या M1P या ओ M2 या M2 की, इनके त्रिज्या का दो वृत्त खींचेंगे, जिस बिंदु पर ये पहले बार वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं उस पर कोई नाम देते हैं हम यहाँ, इसको नाम देते हैं हम यहाँ T1 T2, इसको T1 नाम दे देंगे यहाँ T1 और इसको नाम दे देंगे यहाँ T2 और यहाँ नाम देते हैं इसको हम S1 और ये हो जाएगा नाम यहाँ S2। तो जिसको स्पर्श रेखाएँ हो जाएंगी इनके दिन मिलाते हैं यहाँ से ये, यहाँ से भी लाते हैं इसको हम, यहाँ से भी लाते हैं इसको हम, तो यह इसकी स्पर्श रेखाएं होंगी QS1, QS2 और PT1 और PT2। इसका हम रचना लिखेंगे, इसको लिखना कैसे, रचना के चरण इसमें स्टेप्स में।
यहाँ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम ओ केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, सेकंड वृत्त का व्यास 1 AB खींचकर इसके दोनों ओर क्रमशः पी व क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया कि ओ पी स्कल टू ओ क्यू स्कल टू 7 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट, ओ पी और ओ क्यू के लंब समद्विभाजक खींचे, जो ओ पी को एम वन तथा ओ क्यू को एम टू पर काटते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बिंदु एम वन को केंद्र मानकर एम वन ओ त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को टी वन व टी टू पर काटता है, नेक्स्ट पार्ट इसका है पी टी वन व पी टी टू को मिलाया, नेक्स्ट बिंदु एम टू को केंद्र मानकर एम टू ओ एम टू ओ त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को एस वन व एस टू पर काटता है, नेक्स्ट पॉइंट क्यू एस वन व क्यू एस टू को मिलाया, अतः
PT1, PT2, QS1, QS2, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार से हमें वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। जैसे हम इसमें बनाए हैं, इसमें इसका भी कैपिटल एम वन इसका नाम देते हैं। कैपिटल एम वन और ये हो जाएगा कैपिटल एम टू हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक हम वृत्त रचना करेंगे। इसके दिन ए बी नाम है, तो पहले वृत्त इसका जो व्यास से पहले वाला वृत्त इसमें ए बी, यानी इसकी जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर वृत्त के हम एक रचना करेंगे जिसका व्यास ए बी होगा। और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेंगे, पी और क्यू लेंगे। अब ये जो ओ पी है इसकी आधी से अधिक दूरी का एक लेकर एक चाप काटेंगे, दोनों ओर यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी जहाँ कट करेंगे एक रेखा खींचेंगे जो कि इस रेखा को एम बिंदु पर काटता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं, इनकी आधी से अधिक दूरी की एक लेकर एक चाप काटेंगे दोनों ओर और जहाँ कट करेंगे एक रेखा खींचेंगे, और वो रेखा इस रेखा पर जिस बिंदु पर कट करेगी ये लंबवार्धक, उसको हम एम टू नाम देंगे। अब यहाँ से पी एम वन या एम वन ओ त्रिज्या के कुछ वृत्त बनाएंगे। इसी प्रकार ओ एम टू या एम टू क्यू त्रिज्या के वृत्त बनाएंगे जो कि पहले वृत्त को काट रहा है T1 T2 पर, यही काटा है S1 S2 पर, इनको आपस में हम मिला देंगे तो हमको इसके वृत्त की स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी PT1 PT2 इस प्रकार QS1 और QS2। इस प्रकार से हमको इसके वृत्त की स्पर्श रेखाओं की ये रचना करनी है।